खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां पर 3000 टन सोना मिला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी बिक्री की प्रक्रिया के लिए ई टेंडरिंग की शुरुआत यूपी सरकार ने कर दिया है। ये दरअसल वो पहाड़ी है जहां पर साल 2005 में ही इस बात की जानकारी दी गई थी एएसआई की तरफ से कि वहां पर सोना हो सकता है, और अब आज 3000 टन सोना वहां पर मिला है। ये हरदी के पहाड़ियों में चल रहा है इसमें, किस चीज़ की जांच हो रही है? गोल्ड की जांच चल रही है इसमें। तो कितने दिनों से ये जांच चल रही है? ये लगभग 2005 से जांच चल रही है कि हम तो यहाँ खैर हरदी क्षेत्र में जो है 2015 में आए हैं। तो ये कहाँ स्थान है? ये पहाड़ियों हैं, 3000 पहाड़ियाँ, पीछे पहाड़ी है सामने और सामने है जी, उसके पीछे है जो पहाड़ियाँ, उन्हीं पहाड़ियों में मतलब खोज हो रही है। तो अभी तक प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको कि यहाँ पे सफलता सरकार को मिल पाएगी? अब ये तो जांच होने के बाद जो भी रिपोर्ट जांच होकर के निकलेगी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोनभद्र की कोख में सोना ही सोना, इतना सोना कि चमकेगा पूरा यूपी। सोन पहाड़ी और हरदी में दफन है सोने का संसार। सोनभद्र में मिला 3000 टन सोना, मिल गया सोना, अब काहे का रोना। सोने की चमक से चमकेगी तकदीर, इतना सोना कि पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी। अब यूपी का हर व्यक्ति होगा धनवान।